सर्वर 5 जो देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 3 था उसी के तरह है, क्वेश्चन नंबर 3 के तरह है इसका। चलिए इसे डिफरेंशिएट करते हैं पहले विद रिस्पेक्ट टू x, क्या हो जाएगा यहाँ से dy/dx, ये देखो e टू द पावर 3x का e टू द पावर 3x ही होगा, ये तो ऐसे ही रहेगा कांस्टेंट, और 3x का 3 होगा तो ये इनटू में आ जाएगा, b e टू द पावर -2x का यही हो जाएगा और -2x का -2 होगा। चलिए अगेन डिफरेंशिएट करते हैं, अगेन डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, तो यहाँ से हो जाएगा डी स्क्वायर वाई बटा में डी एक्स स्क्वायर, क्या हो जाएगा ए टू द पावर 3x का 3 9 हो जाएगा। अब देखो यहाँ माइनस है, इसका क्या हो जाएगा बी ई टू द पावर माइनस का 2x माइनस 2x का माइनस 2, तो यहाँ प्लस 4 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसे थोड़ा सेपरेट करते हैं, डी स्क्वायर वाई बटा में डी एक्स स्क्वायर बराबर में, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे देखो लिख देता हूँ मैं इसे, थोड़ा सेट करना होगा ये और ये के फॉर्म में ये हटाना होगा ना जी, आर्बिट्री कॉन्स्टेंट यहाँ से हटाना होगा, तो हटाने के लिए मैं एक काम करता हूँ इसमें, मैं इस यहाँ लिख देता हूँ 6ae^3x और प्लस 6be^-2x। ठीक है, अब देखो यहाँ 6 मैंने लिख दिया तो प्लस का 3 लिखना होगा, 3ae^3x और यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस का 2 ना, -2be^-2x। चलिए आगे देखिए, अब क्वेश्चन में यहाँ हो जाएगा डी स्क्वायर वाई बटा में डी एक्स स्क्वायर, यहाँ से 6 कॉमन करते हैं तो ए ई टू द पावर 3x प्लस बी ई टू द पावर -2x और प्लस यहाँ पे 3ae^3x और -2be^-2x। तो ये देखो यह जो है यह किसका वैल्यू है, y का ही वैल्यू है, और यह जो है dy/dx का वैल्यू है, दोनों रख देते हैं, डी स्क्वायर वाई बटा में डी एक्स स्क्वायर बराबर में 6y और प्लस का ये आपका हो जाएगा dy/dx, सबको एक तरफ कर देते हैं, तो यहाँ से हो जाएगा डी स्क्वायर वाई बटा में डी एक्स स्क्वायर माइनस का dy/dx और माइनस का 6y बराबर 0, ये हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन आ गया, समझ गया, कोई दिक्कत नहीं इसमें। चलिए अगला